आगरा के नगर निगम सदन में भ्रष्टाचारिता का सहयोग करती हुई आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर पर पूर्व नगर निगम कर्मचारी राकेश बंसल को अपना ओएसडी बनाने का आरोप है, जो कि खुद एक भ्रष्टाचारी कर्मचारी है। तो वहीं राकेश बंसल के विरोध को लेकर सपा और बसपा पार्षदों ने सदन का बहिष्कार करते हुए सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। नगर निगम सदन में सदन को गरमाने वाले मुद्दे नजर आ रहे हैं। दरअसल आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर पर पूर्व नगर निगम कर्मचारी राकेश बंसल को अपना विशेष कार्य अधिकारी बनाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मेयर हेमलता दिवाकर पर भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के आरोप लगे हैं। पूर्व भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राकेश बंसल की संविदा समाप्त हो गई थी। इसके बाद मेयर हेमलता दिवाकर ने पूर्व नगर निगम कर्मचारी राकेश बंसल को अपना विशेष कार्य अधिकारी बनाया है, जिसको लेकर सपा और बसपा के पार्षद गरमाए हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों यानी कि कांग्रेस, सपा और बसपा के पार्षदों ने राकेश बंसल के विरोध को लेकर सदन का बहिष्कार किया और साथ ही सदन के बाहर हाथों में भ्रष्टाचारी के बैनर लेकर धरने पर बैठे बहुजन समाज पार्टी के पार्षद बंटी माहौर ने मीडिया से बात करते हुए पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। वहीं आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने पूरे मामले पर बोलते हुए अपनी बात भी रखी। आज सदन जो लगा है वो बजट पर सदन लगा है, बड़ा महत्वपूर्ण सदन है, लेकिन उस बजट को कहां पर खफाना है ये अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और माननीय महापौर अपनी रणनीति बना रहे हैं, बिना विपक्ष के ये सदन चला रहे हैं। ये लोकतंत्र में बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे एहसास हो रहा है एक हिटलर शाही के तरीके से इस आगरा को चलाने वाले हैं ये। राकेश बंसल पूर्व में एक संविदा कर्मचारी आगरा नगर निगम में रहे हैं और उन पर कई भ्रष्टाचारी के आरोप लगे। इस उन आरोपों की जांच चल रही है। आगरा में पूर्व में हमारे नगरायुक्त जी थे, उन्होंने उनको हटाया और उनकी संविदा से नौकरी भी उनकी समाप्त की गई। लेकिन महापौर जी ऐसे व्यक्ति को जिनको मालूम है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, नगर निगम में कहां से कमाई होती है, ऐसे व्यक्ति को अपना ओएसडी बनाकर और नगर आईजी को एक लेटर देती हैं, फिर ये मामला गरमाता है, मीडिया के माध्यम से पूरे आगरा शहर को पता चलती है, तो फिर वो अपने सवाल में कहती है मेरे पर्सनल है कि जनता ने हमें जो मैंडेट दिया विपक्ष का दिया और कोई भी गलत कार्य नगर निगम में हुआ तो उसको हम प्रबल विरोध करेंगे। हम जनता के विकास कार्य के लिए जनता के साथ हैं और हर हाल में अगर विकास की बात माननीय महापौर करेंगे तो हम उनके भी साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से हरदर्मिता से सदन वो चलाना चाहती है वो उसके विरुद्ध है। हम लोग तो मैं कैसे मान लूं कि वो भ्रष्टाचारी है और ये राइट मुझे भी पता है कि मेरे कार्यालय पर कौन व्यक्ति काम करेगा। दूसरी बात, मुझे बने हुए महापौर बने हुए 1.5 महीना हो गया और अभी तक मेरा कार्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो मुझे एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। तो इसलिए मैंने राकेश बंसल को अपॉइंट किया क्योंकि 15 साल का अनुभव उसे है और मुझे लगता है कि 15 साल का अनुभव है तो शायद मुझे भी लाभ मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे अपॉइंट किया। आप विपक्ष के नेताओं को क्या मिर्च लगी है मुझे जानकारी नहीं है इस बात की कि वो उसे भ्रष्टाचारी कह रहे हैं और तो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि विपक्ष के नेता जो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो इल्जाम लगाना चाहते हैं, वो मुझे लिखित रूप में दे और उसका साक्ष्य दे मुझे कि यह भ्रष्टाचार उसके ऊपर था। नहीं, भ्रष्टाचार के चलते ही नगरायुक्त ने उसे हटाया था, सेवा भी समाप्त की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, जांच भी हुई थी, जांच भी विजिलेंस टीम भी बैठी हुई थी, लेकिन सारी बातें साफ हो चुकी है, वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। विजिलेंस की रिपोर्ट आ गई है? विजिलेंस की कोई रिपोर्ट नहीं है। आप विजिलेंस की टीम से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, राकेश बंसल से बात करेंगे। जो मुझे प्राप्त हुई है कि उसके पास कोई इल्जाम उसका सिद्ध नहीं हुआ है। हाईकोर्ट का मामला विचाराधीन चल रहा है, विचाराधीन चल रहा है, तो उसका फैसला मैं नहीं करूंगी, कोर्ट करेगा, कोर्ट पे चलने दीजिए उस मामले को, फैसला आएगा तो राकेश बंसल अगर दोषी है तो यहाँ नगर निगम में तो क्या, मेरे कार्यालय में तो क्या, शायद मुझे लगता है कहीं भी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन मैम सवाल यही उठ रहा है कि जो जिस पर दाग लगा हुआ है उसे ही आपने नियुक्त किया? दाग लगा है ना, साक्ष्य तो नहीं इसके प्राप्त हुए। आप लोगों को मीडिया को प्राप्त हुए तो मीडिया मुझे दे, मेरे विपक्षियों को प्राप्त हुए तो वो मुझे प्राप्त दे। राकेश बंसल का कहना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसका साक्ष्य अगर है तो मुझे दिखाया जाए ताकि मैं उसको साक्ष्य के आधार पर हटा सकूं। पूरे मामले पर बोलते हुए अपनी बात भी रखी।